हेलो नमस्कार, सिला फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम ब्लाउज काटेंगे जो साइड हुक का ब्लाउज है और ये है इनर वाला। देखिए ठीक है, ये हमारी चार तय हैं, एक दो तीन चार, ठीक है। और ये हमारा इनर है जो ब्लाउज के नीचे लगेगा। पहले हम इनर को काटेंगे, जैसे सूट की कटिंग होती है ऐसे होगी। देखिए तीरा लेंगे हम छः का। हाँ ये मैं लंबाई और बता देती हूँ आपको, लंबाई है 14 का तैयार है, इतना तैयार है। और ये 3 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। इसकी नोक की छाती है और हम इसको 2 इंच ले लेते 11, लेकिन थोड़ा सा कपड़ा था इतना ही, तो मैंने पूरा ही रख लिया था। ये 12 इंच है, ठीक है। बाकी इतने की नोक है तो 2 इंच काफ़ी होता है इसमें, हो गया। अब तीरा हमारा 6 और मुड्ढे भी हैं 6, 6, 6.5, जो भी हमने 6.5 ले लेंगे हम। 1/2 इंच यहाँ से कटिंग करेंगे डाउन के लिए, ठीक है, हो गया। अब इस लाइन्स को कंप्लीट करेंगे ऐसे, और ये हमारा तीरा यहाँ पे भी लाइन लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारी छाती है 9 और 2 इंच, ये हम 2 से भी थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे, 2.5 ले लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा है तो एक्स्ट्रा ही रहेगा, कई बार हमें ज़रूरत हो जाती है, बाद में ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको खोल सकते हैं। ये हमारी कमर, यहाँ पे देखिए कमर है हमारी 6 की, लेकिन हम 6 की नहीं लेंगे, हम कमर लेंगे 7 की। 1 इंच हमारा यहाँ पे जो प्लेट लेगी उसके लिए है, 7 और 2 9, ये यहाँ पे 2 ही काफ़ी है। अब इसको हम मिला देंगे, पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जो हमारा ड्राफ्ट है ना, पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे, प्लेट्स वगैरह बाद में डाल लेंगे। ये देखिए, ठीक है, अब प्लेट डालेंगे। देखिए ऊपर से हमारा निप्पल पॉइंट है 10.5 पे, ये हमारा 10.5 है, और ये बीच का जो गैप है ये है हमारा 3.5 इंच का, ठीक है। अब इसके 1 इंच का गैप बनेगा अब यहाँ सारी प्लेट्स में। पहले तो हम सीधी प्लेट डालेंगे, ये 3.5 इंच का यहाँ पे निशान लगाया, पहले तो इस प्लेट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इससे एक इंच ऊपर यहाँ पे निशान लगा देंगे। ये निशान है सेंटर पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट क्या है कि इसी से प्लेट्स लेंगी सारी। अब 1 इंच ये नीचे हो गया। अब ये यहाँ पे देखिए, ये जो क्रॉस है ये है एल बनता जो हमारा, इससे और इससे क्रॉस करेंगे प्लेट्स को ऐसे, ठीक है। अब ये गोलाई हमें करनी है 2 इंच की, यहाँ पे हमने 2 इंच रखना है इस जो हमने सेंटर पॉइंट लिया था उससे। एक प्लेट ये होगी हमारी, बीच वाली प्लेट डलेगी नहीं क्योंकि यहाँ पे हम कट नहीं करेंगे स्ट्रेट। अच्छा, अब हमारी ऊपर से नीचे देखेंगे कमर कितने पे होती है, जो हमने तैयार करना है 14 का, ठीक है। तो 14 का तो हम लेंगे नहीं, उससे 1 इंच या 2 इंच ऊपर करते हैं, तो हम यहाँ पे 12 पे निशान लगा देंगे, 2 इंच ऊपर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से ये सेंटर पॉइंट और ये, इसको मिलाएंगे ऐसे। अब इससे भी 2 का गैप देंगे यहाँ पे, ठीक है, हो गया हमारी प्लेट्स कंप्लीट। अब ये गोलाई जो हमने करनी है, देखिए ये 3 इंच का गैप है, तो 3 इंच का गैप हम यहाँ पे करेंगे, हो गया। अब ये देखिए हो गई गोलाई, इससे ये तो बैक का हो गया हमारा, आगे वाले का 1 इंच यहाँ पे, ये हमारा सेंटर पॉइंट ही बनेगा 3 इंच का। तो हमने यहाँ पे 1 इंच से थोड़ा सा कम यहाँ पे निशान लगाएंगे और ऐसे, ठीक। 3 इंच हम लेंगे नेक के लिए, ठीक है, और 3 इंच लेंगे हम साइड के लिए। 1/2 इंच यहाँ पे सिलाई हो गया, 1/2 इंच यहाँ पे, ये 2 बचेगा हमारा। तो इसको हम ये ऐसे मिला देंगे, हाथ से मिला दो ऐसे, हो गया। अब ये और ये हमारी इक्वल गोलाई बनेगी, ठीक है। अब इसकी हम कटिंग करते हैं, ठीक है।
आधा इंच मैंने बोला था नहीं, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे उतार देना इसको, इससे जो मुड्डे गिरते हैं ना वो गिरेंगे नहीं, अब स्टेबल रहेंगे अपनी जगह पे। ठीक है, ये है हमारा इनर, ये हम कॉपी करेंगे अपने जो ब्लाउज है उसके ऊपर। ठीक है, पहले बाजू और काटेंगे। देखिए छाती है हमारी 9, ठीक है, अब 9 चौक 36 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से भाग करेंगे उसको। ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया 7.25। जो बाजू के मुंह लेंगे हम वो लेंगे 7.25 के। ठीक है, तैयार। अब देखना ये हमारा कपड़ा जो बच गया था इनर, उसमें से इनर ये हमने लिया है, इसके ऊपर हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू हमारी है 3 इंच की, तो 2 इंच लेंगे फोल्ड के लिए, 5 इंच। ठीक है, 3 इंच की हम करेंगे यहाँ पे गोलाई, सॉरी यहाँ पे 3 इंच की लेंगे यहाँ पे गोलाई, ये नहीं है निशान हमारा। अब छाती थी 9 की, तो उसी 1/5 हिस्सा हो गया 7.25, यहाँ पे लेंगे हम 7.25 और 7.25 से भी थोड़ा ज़्यादा है तो 8.25। ये मोरी है हमारी 6.5 और 7.5 की, ऐसे मिला देंगे इसको और ये ऐसे मिला देंगे। ठीक, अब यहाँ पे इसका सेंटर लेंगे, देखना ये है हमारा 7.5 पौने चार पे यहाँ पे हम लेंगे 1/4 इंच। ठीक है, इसकी गोलाई बिल्कुल यहाँ से हल्के से शुरू करेंगे, यूँ मिला के और ऊपर मिला देंगे। ये हमारी बाजू हो गई है, इसके अब हम कटिंग करेंगे। अभी तो ये इनर पे ही है, अब हम कपड़े पे उस पर करेंगे जो हमारा ब्लाउज का कपड़ा है, अब वो कटिंग करेंगे। ठीक है, बाद में फिर ये आगे वाले पार्ट की कर लेंगे चटाई। ठीक है, हो गया हमारा ये कपड़ा। ये कपड़े को हम देखेंगे ये हमारा है कितना, इसकी पहले तो हम चौड़ाई देखेंगे। हमें 22 की चाहिए थी और 22 की ये है, इसको अब डबल फोल्ड करेंगे। एक बार मैंने फोल्ड कर लिया है, अब एक बार फिर भी फोर फोल्ड हो जाएगा। ये हो गया हमारा फोर फोल्ड। इसके ऊपर यहाँ पे हम थोड़ी सी प्रेस करेंगे कि ये साठन है, साठन हमेशा हिलता है, साठन का कपड़ा थोड़ा सा स्लिप हो जाता है अगर हम इस पर नहीं रखते तो। अब इसकी हम रेब निकाल लेंगे, यहाँ से रेब है यहाँ तक हमारी। ठीक है, अब इसकी इसको हम कॉपी करेंगे। हमने जो ये काटा है ना, ये हमने काट रखा है, इनर है जो नीचे का ये हमने काट लिया था, तो इसको रखेंगे इसके ऊपर ऐसे, उसको इक्वल करके ऐसे काट देंगे। ठीक है, अब यहां से काट देंगे ऐसे। आधा इंच की जो छटाई करी थी इसको काट देंगे ऐसे। ठीक है, और ये साइड से काट देंगे ऐसे। होगी कटिंग। और अब हम ऐसे ही बाजू को काटेंगे, जो हमारा वर्क था वो हमने बाजू पे दे दिया है। देखिए ये हमारा जो वर्क है ये हमने बाजू पे लगाना है, आगे और पीछे बिल्कुल हम सिंपल बनाएंगे। इसको चाहे सीधे में फोल्ड कर लो, चाहे उल्टे में फोल्ड कर लो। ठीक, इसको भी हम कॉपी ही करेंगे, अच्छे से मिलाएं इसको, कम ज्यादा हो जाता कई बार ये कपड़ा। ठीक है, इसमें रेब इतनी है कि आराम से ही सेट करना पड़ेगा इसको, बता तो सेट ही नहीं हो रहा। ठीक, ये हमारी बाजू है, ये हमारी बाजू 3 की तैयार है। तो यहाँ पे हम आधा इंच सिलाई के लिए 3.5 फोल्ड के लिए हमारा इससे आगे का कपड़ा है। ठीक है,
यहाँ पे हम साढ़े तीन पे निशान लगा देंगे ऐसे, ठीक है। अब हमने जो बाजू काटी थी वो बाजू रखेंगे इसके ऊपर, ये हमने बाजू को काट रखा है, अब बाजू रखेंगे इसके ऊपर ऐसे, सॉरी ऐसे, बिल्कुल आराम से जैसे हमने कॉपी किया था ना ब्लाउज का, ऐसे ही बिल्कुल सिंपल आराम आराम से कटिंग करेंगे, वरना तो स्लिप होता है कपड़ा काफी। ये हमारी बाजू भी कटिंग हो गई, अब हम ब्लाउज को स्टिच करेंगे, ठीक है। अब हमारी जो गिरारी है ये इनके ऊपर से ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको लॉक करेंगे ऐसे ऐसे, इसको लॉक करेंगे, इसको भी लॉक करेंगे, और फिर ये ऐसे ऐसे इसको घुमाएंगे आराम से, ठीक है। ये हमने लॉक कर दिया, जो फिटिंग का निशान है ना हमारा, ये भी ऐसे ही करना है, ठीक है। ये हमारे निशान यहाँ पे आ गए हैं, जो गिरारी के थे ना सीधी प्लेट के हैं, ये साइड प्लेट के हैं, कमर प्लेट बोलते हैं, मुड्डे वाली प्लेट के भी, ये आपको मेरे ख्याल से आराम से दिख रहे होंगे, ठीक है। उम्मीद है कटिंग आप सबको समझ में आई होगी। थैंक यू।